जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर रत्नान ऑफिशियल में। आज हम जानेंगे कि हमारे ATM से जुड़े कुछ न्यू फीचर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कीजिएगा, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उसे सबसे पहले वॉच कर सकें। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपकी जेब में रखे ATM कार्ड में एक ऐसा नया फीचर जुड़ गया है जिसके बारे में आप जानेंगे तो आपकी सारी टेंशन बिल्कुल दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपने ग्राहकों को फर्जीवाड़े से बचाने के लिए एक नई सेवा की शुरुआत की है। उपभोक्ता के पास यदि स्मार्टफोन है तो वह अपने कार्ड को ATM कार्ड को ऑन या ऑफ कर सकेंगे। इसके लिए स्मार्टफोन पर SBI क्विक ऐप बैंक में पंजीकृत मोबाइल नंबर से ही डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद इसमें पंजीकरण करना होगा, जिसे रजिस्ट्रेशन कहते हैं। दोस्तों, ऐप में उस नंबर को डालना होगा जिसमें ग्राहक नेट बैंकिंग की सुविधा का प्रयोग कर रहा है इस मौजूदा समय में। जी हाँ दोस्तों, इस क्विक ऐप के जरिए ATM कार्ड को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐप आपको ATM कार्ड ब्लॉक करने, ऑन करने, ऑफ़ करने और ATM पिन को जनरेट करने तक की सुविधा यहाँ पर आपको मिल जाती है। इसमें ऐप में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की ATM को संचालित करने का विकल्प भी दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि ATM कार्ड को सिर्फ पॉइंट ऑफ सेल मशीन में काम करे और ATM में ना करे, तो भी आप विकल्प पर जाके उसका सिलेक्शन कर सकते हैं, उसका चयन कर सकते हैं। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, SBI में अभी तक सिर्फ मिस कॉल और SMS बैंकिंग ऐप था। खाते में शेष राशि जानने के लिए, साथ ही पिछले 10 लेनदेन का विवरण जान सकते थे, साथ ही चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते थे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका ATM कार्ड खो गया है और आप उसे ब्लॉक करना चाहते हैं तो आपको ऐप के ATM कम डेबिट कार्ड फीचर में जाकर ATM कार्ड ब्लॉकिंग को चुनना होगा। यहाँ भी ये सुविधा आपको मिल जाती है। उसके बाद अपने कार्ड को आखिरी का 4 अंक जो है आपको दर्ज करना होगा, ATM कार्ड पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्विक ऐप में कार और गृह ऋण, होम लोन, प्रधानमंत्री सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ATM कार्ड ब्लॉकिंग, ATM कार्ड स्विच ऑफ ऑन करना, पिन जनरेट करना, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, चेकबुक के लिए आवेदन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जी दोस्तों, आशा करता हूँ ATM की टिप्स एंड ट्रिक्स का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस तरह के टेक्निकल टिप्स एंड ट्रिक्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।